हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनिल कुशवाहा और आप देख रहे हैं अनिल स्टडी सेंटर। तो दोस्तों, जो इस बार पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर में है तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है। तो वीडियो आप पूरा देखिएगा, पूरी न्यूज़ आपको विस्तार से मिलेगी और कैसे आपको जो हम फॉर्म बताने वाले हैं कैसे अप्लाई करना है पूरी जानकारी मिलेगी। तो बस आपको क्या करना है, आपको वीडियो पूरा देखना है, कहीं पर भी स्किप नहीं करना। चलिए हम अभी आपको वो न्यूज़ बता देते हैं। उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप दें भी हमारे चैनल अनिल स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कोई भी आगे का नया वीडियो डालूंगा तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। और दोस्तों, एक आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चलिए हम आपको वो न्यूज़ बता देते हैं। जो न्यूज़ है ये देखिए, जो न्यूज़ है हम आपको अब दिखा देते हैं। अब दोस्तों, आपके सामने एक न्यू पेज खुल के आ रहा है, तो इस पर ये न्यूज़ है। तो ये न्यूज़ हम बताने से पहले एक चीज़ आपको बता दें कि जो ये न्यूज़ है ये सभी लगभग न्यूज़पेपर में आई थी, ये अमर उजाला में भी आई थी, दैनिक में भी आई थी। तो ये अमर उजाला में पेज नंबर 3 पे आई थी, दैनिक में पेज नंबर 7 पे आई थी। तो ये परसों न्यूज़ आई थी, तो कल वीडियो नहीं बना पाया, कुछ प्रॉब्लम्स था, तो आज ये वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है, वर्ष 2019 के पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्सेज के लिए महिंद्रा ऑल इंडिया टैलेंट स्कॉलरशिप। तो जो दोस्तों आपकी महिंद्रा कंपनी है उसकी तरफ से ये आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाएगी। तो इसमें देखिए क्या है, वर्ष 2019 के लिए है, तो आपको सारी नीचे चीज़ें पढ़ लेनी। चलिए हम आपको पढ़ के बता देते हैं क्या नीचे लिखा हुआ है, जिससे आपको सारी जानकारी मिल जाए और कोई भी आपको कन्फ्यूजन ना रहे। तो देखिए लिखा हुआ है, महिंद्रा ऑल इंडिया टैलेंट स्कॉलरशिप के लिए केसी महिंद्रा एजुकेशन ट्रस्ट उन विद्यार्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित करते हैं जिन्होंने इस वर्ष 10वीं 12वीं कक्षा पास कर सरकारी या सरकारी मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लिया। तो दोस्तों देखिए, न्यूज़ क्या है कि सबसे पहले आपको यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान देना है कि यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इस वर्ष 10वीं 12वीं इसी वर्ष दिया हो, मतलब कि यदि आप क्लास 10th से यदि आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो आपने इसी वर्ष 2019 में ही आपने उसको पास किया हो। यदि आप 12th से कर रहे हैं तो आपने 2019 में ही उसको पास किया हो। यदि आपने 2018 में किया है और यदि एक साल का आपका गैप है तो आपके लिए ये नहीं है। यदि आप ऐसे हैं तो आपके लिए ये नहीं है, आपको बिल्कुल रेगुलर है, मतलब कि ये इसी वर्ष आपने दिया है तभी आपको ये मिलेगा। आप देखिए आगे क्या है कि ट्रस्ट 550 ज़रूरतमंद और योग्य विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा 3 वर्षों के लिए 10,000 प्रतिवर्ष स्कॉलरशिप देता है, मतलब कि आपको प्रतिवर्ष 10,000, तो 3 वर्षों में आपको 30,000 रुपये मिलेंगे। ये किस तरह मिलता है, ये हर सेमेस्टर में दोस्तों 5,000 आता है, क्योंकि ये जो स्कॉलरशिप है इसका हमने फ़ायदा पिछले साल हमने भी उठाया है। हमने इसका फॉर्म भरा था तो 550 विद्यार्थियों में मैं भी एक था, तो उन 550 विद्यार्थियों में मुझको भी ये स्कॉलरशिप मिली थी। तो इसके लिए दोस्तों आगे हम देखते हैं क्या योग्यताएं हैं, क्या एलिजिबिलिटी हैं। देखिए योग्यता मापदंड इसमें क्या है, किसी मान्यता प्राप्त स्कूल कॉलेज से 10वीं कक्षा और या 12वीं कक्षा पास की हो, कॉलेज जो हो मान्यता प्राप्त हो, स्कूल जो हो आपका मान्यता प्राप्त हो, उसके बाद बोर्ड की परीक्षाओं में 60% से अधिक मार्क्स आपके होने चाहिए। यदि आपकी बोर्ड परीक्षा में 60% से अधिक मार्क्स हैं तभी आप ये स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप भरेंगे भी तो आपको वहाँ से आवेदन के लिए, आपको मतलब इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा। आगे हम आपको देखते हैं, आपको बताते हैं कि आपको इसको कैसे करना है। देखिए इसमें और कुछ चीज़ें दी हुई हैं, लड़कियों, आर्थिक रूप से पिछड़े परिवार के बच्चों, दिव्यांग बच्चों और आर्मी से जुड़े लोगों को भी प्रधानता दी जाएगी, मतलब कि जो गर्ल्स हैं और उसके बाद जो आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चे हैं, उसके बाद दिव्यांग बच्चे और जो आर्मी से जिनके मतलब कि घर में हैं तो उनको भी यह प्रधानता दी जाएगी। उसके बाद आवेदन फॉर्म के लिए विद्यार्थी नीचे दिए गए पते पर अनुरोध कर सकते हैं। अनुरोध पत्र के साथ विद्यार्थी को खुद का पता लिखा एक लिफाफा भेजना होगा। देखिए इसमें यह बोल रहा है पता लिखा भी लिफाफा भेजना होगा, ये क्यों भेजना होगा, देखिए यहाँ से आपको एक अभी आपको इस वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करके फिल करके उसको बाई पोस्ट भेजना है। उसके बाद यदि आप वहाँ एक्सेप्ट हो जाएंगे तो वहाँ से आपको एक वापसी में आएगा, जब आप वहाँ से एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे, वो तो बात की बात है। पहले हम भी आपको ये न्यूज़ दे देते हैं। देखिए फिर आगे क्या है, आवेदन पत्र यहाँ से डाउनलोड किए जा सकते हैं। दोस्तों ये वेबसाइट है,
तो यहाँ से आपको ये आवेदन पत्र डाउनलोड करना है। देखिए इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसके बाद अभी हम आपको ये भी बताएंगे तो इसको कैसे खोलना है, तो उसके लिए आप वेट करिए, वीडियो पूरा देखिए, और कुछ जानकारी नीचे दी हुई है उनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो नीचे क्या है, आवेदक पूरी तरह से भरे गए आवेदन फॉर्म को जरूरी दस्तावेजों के साथ नीचे दिए गए पते 22 अगस्त 2019 से पहले पहुंचा दें। मतलब कि जो भी आपको, मतलब कि कुछ अभी जो फॉर्म खुलेगा तो उस पर काफ़ी पते दिए हुए हैं, तो उन पतों में जो भी आपके पास पड़े वहाँ आप भेज सकते हैं। उसके बाद आवेदन फॉर्म जरूरी दस्तावेज, देखिए जरूरी दस्तावेज क्या है, उस पर लिखा हुआ है कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, उसके बाद काफ़ी जानकारी। उसके बाद लास्ट जो डेट है इसकी है 22 अगस्त है, तो आपको 22 अगस्त से पहले बाई पोस्ट करना है। उसके बाद चुने गए विद्यार्थियों को इंटरव्यू की तारीख और समय के बारे में समय से पहले सूचित कर दिया जाएगा। देखिए ये मिलेगा कैसे, इसके लिए आपको इंटरव्यू देना होगा, इंटरव्यू की एक अलग से डेट निश्चित करेंगे, और कहाँ पर इंटरव्यू होगा, जहाँ पर जैसे आप इसमें लखनऊ के लिए है तो लखनऊ यदि आपके पास पड़ेगा तो आपको लखनऊ इंटरव्यू देने जाना होगा। उसके बाद उन्हें इंटरव्यू केंद्र तक एक सीमा तक यात्रा खर्च का भुगतान किया जाएगा। मतलब कि जब आप वहाँ जाएंगे इंटरव्यू के लिए तो उसके पहले आपको जो आपका किराया खर्च हुआ है उसका भी वो लोग भुगतान करेंगे, कुछ रुपए देंगे। जैसे कि जब मैं गया था तो मुझे 400 रुपये उन्होंने किराए का खर्च दिया था आने जाने का। तो दोस्तों ये था, और एक चीज़ और आपको बता दें कि जो आपका कॉलेज हो वह देखिए सरकारी मान्यता प्राप्त या सरकारी मान्यता प्राप्त, मतलब कि आपका गवर्नमेंट कॉलेज हो या एडेड कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज के लिए नहीं है। अब दोस्तों देखिए जो नीचे वेबसाइट दी हुई है, लिंक दी हुई है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स वाली लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, वो पेज हम आपको दिखा देते हैं किस तरह का खुले। तो दोस्तों जैसे ही आप लोग उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज कुछ इस तरह का आएगा। तो इस पेज पर देखिए काफ़ी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, ये केसी महिंद्रा एजुकेशन ट्रस्ट है। देखिए आपको एक चीज़ और बता दें, यदि आप ये स्कॉलरशिप भरते हैं तो आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपके लिए जो कॉलेज की तरफ से स्कॉलरशिप मिलती है वो नहीं मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ये भी स्कॉलरशिप भर सकते हैं, वो भी स्कॉलरशिप भर सकते हैं, दोनों भर सकते हैं, क्योंकि ये एक प्राइवेट संस्था है, वो गवर्नमेंट की तरफ से है। अब देखिए इसको भरने से फ़ायदा क्या होगा, इसको भरने से फ़ायदा ये होगा कि एक महिंद्रा कंपनी, महिंद्रा कंपनी आपको पता है मैकेनिकल के क्षेत्र में है, और भी इसकी काफ़ी ब्रांचें हैं। तो देखिए यदि आप ये फॉर्म भरते हैं और उसके बाद जब ये लोग, मतलब कि इनका जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, यदि आपको स्कॉलरशिप देने लगेंगे तो आपसे बीच बीच में डॉक्यूमेंट्स भी मंगवाते हैं, उसमें आपका रिजल्ट भी मंगवाते हैं। उससे क्या होगा, यदि आपका रिजल्ट अच्छा होगा तो ये आपको प्लेसमेंट के लिए, इंटरव्यू के लिए भी बुला सकते हैं, जिससे आपका इसी कंपनी में प्लेसमेंट भी हो सकता है, और हो सकता है आपको हायर पोस्ट पर भी ये लोग दे दें। अब देखिए इसको कैसे डाउनलोड करना है हम आपको बता देते हैं। तो आप नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे, इस तरह का आपके सामने इंटरफेस खुलेगा। तो एक जगह लिखा होगा एप्लीकेशन नाउ ओपन टू डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक हियर, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो ये अभी डाउनलोड होने लगेगा। तो डाउनलोड होने में थोड़ा वक्त लगेगा, हम लोग वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो आपके सामने इस तरह का खुल के आएगा। तो देखिए अब इसको कैसे भरना है, यदि आप कमेंट करेंगे, यदि आप नहीं भर पाते हैं तो उसका वीडियो मैं बनाऊंगा अलग से। तो अब देखिए इसमें एक चीज़ आपको इम्पोर्टेंट जानकारी दे दें, तो यहाँ पर ये है इम्पोर्टेंट जानकारी कि यहाँ पर ये एड्रेस दिए हुए हैं, कुछ एड्रेस पूरे कुल मिला के यहाँ पर 11-11 एड्रेस दिए हुए हैं, तो आपको इन एड्रेस में से किसी एक एड्रेस पर भेजना है। देखिए अभी इन एड्रेस में किसी एक एड्रेस पर भेजना है जो आपके पास पड़े। अब देखिए यदि आप लोग उत्तर प्रदेश में हैं तो आप लोग लगभग लखनऊ वाला ही भेजेंगे, तो ये जो है ये महिंद्रा टावर है लखनऊ पे, पूरा एड्रेस हमको पता है। यदि आप पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिएगा किसी दिन लाइव स्ट्रीम में, या फिर आपको हम किसी वीडियो में बता देंगे। अब देखिए इस फॉर्म को कैसे भरना है, तो इसके लिए आपको अलग से वीडियो मिलेगा यदि आप लोग कमेंट करेंगे। उसके बाद जो इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसका भी यदि आप वीडियो चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, तुरंत वीडियो उसका मिल जाएगा। और देखिए इंटरव्यू यदि आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इस चैनल पर बने रहिएगा, आपको 30,000 जरूर से ज़रूर मिल के ही रहेंगे, और 550 विद्यार्थियों में ज़रूर आपका एक नाम होगा
550 विद्यार्थियों में, जिस तरह मेरा नाम था उसी तरह आपका भी 550 विद्यार्थियों में नाम जरूर होगा। इसलिए आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए। और एक चीज़ आपको इम्पोर्टेंट जानकारी दे दें, आप लोग कन्फ्यूजन में मत रहिएगा कि आपको यदि ये स्कॉलरशिप मिलेगी तो आपको कॉलेज वाली नहीं मिलेगी, कॉलेज वाली मिलेगी तो ये नहीं मिलेगी, आपको दोनों स्कॉलरशिप मिलेंगी। उसके बाद देखिए आपको जो यहाँ पर प्रिंसिपल के साइन वगैरह करवाने हैं तो आप HOD प्रिंसिपल के साइन करवाने होंगे, मतलब कि जो आपके ब्रांच के हेड होंगे उनसे करवाने होंगे। और अटेस्टेड कॉपी जो चाहिए आप किसी, देखिए नीचे होगा यहाँ पर, ये देखिए कुछ अटेस्टेड कॉपी यहाँ पर मांग रहा है, तो इसके लिए दोस्तों आप किसी डॉक्टर से जो मतलब कि MBBS हो, या फिर आप प्रिंसिपल से अपने कॉलेज के, या फिर HOD से किसी से भी असिस्टेड करा सकते हैं। तो दोस्तों ये था अभी इस वीडियो में, मैंने आपको ये शॉर्ट जानकारी दी। KC महिंद्रा एजुकेशन ट्रस्ट ये बिल्कुल भी फेक नहीं है, बिल्कुल ये बहुत ही अच्छी कंपनी है और इसकी तरफ से स्कॉलरशिप आपको दी जाएगी। यदि आप लोग प्रूफ मांगना चाहते हैं तो प्रूफ भी आपको मिल जाएगा। यदि आप लोग प्रूफ मांगें कि बताइए आपको कहाँ पर स्कॉलरशिप मिली, कब मिली और आपको कैसे मिली, तो ये पूरी जानकारी मिल जाएगी। और इसका जो प्रोसेस अलग से एक प्रोसेस है कि कब और क्या आता है आपके लिए, तो वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो पे। चलिए दोस्तों इस वीडियो पे अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। यदि आपने वीडियो पूरा देखा तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस फॉर्म को ज़रूर से डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करने के बाद इसको फिल करना, यदि आप फिल नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद हमको कमेंट कीजिए, हम आपको अलग से वीडियो देंगे, उसके बाद आप फिल करने में बिल्कुल एवल होंगे। चलिए दोस्तों इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही रखते हैं, तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, इसको ज़रूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।